मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल टू आवर न्यू व्लॉग। काफ़ी दिनों के बाद आई हूँ फिर से व्लॉग लेके। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि अच्छे ही होंगे। मैं अच्छा नहीं हूँ क्योंकि मुझे थोड़ा सा सर्दी खांसी जुकाम ये सब सभी घरों में हो रही है अभी, क्योंकि ठंडी गिर गया अचानक से। गर्मी से ठंडी मौसम घुसने के टाइम एक बार बीमार होते हैं लोग, फिर गर्मी से ठंडी जाने के मतलब ठंडी से गर्मी आने के टाइम फिर से एक बार बीमार होते हैं। तो वही, मैं भी सीजन में दो बार बीमार तो मुझे होता ही है। आई थिंक सभी को ही होता है, घर में सभी के घर में किसी ना किसी को तो होता ही है। तो ठीक है, आज एक छोटा सा ब्लॉग बनाऊंगी सोच रही हूँ। काफ़ी दिन से कुछ ब्लॉग नहीं बनाया, घूम के आने के बाद तो कुछ बनाया ही नहीं और थोड़ा सा तबीयत भी ख़राब था इसलिए कुछ भी नहीं बनाया, आज बनाऊंगी। ठीक है, जो सब छोड़िए, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच कि मेरा 1K हो चुका है आप लोगों की वजह से। आप लोगों ने इतना सारा प्यार दिया, इतना सारा मतलब सपोर्ट किया मुझे, इसलिए मैं यहाँ तक आ पहुँची हूँ। पता है बहुत ही छोटा सा अभी मतलब है, छोटा सा चीज़ है ये, 1K होना इतना ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, लेकिन मेरे लिए फ़िलहाल ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि लोग छोटे से ही तो बड़े होते हैं ना। तो वही, आप लोग ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए, ऐसे ही आगे बढ़ाते रहिए मुझे। अभी मैं जल्दी से इतना बकबक ना करके दिन को शुरू करती हूँ। चलिए, अभी मैं सबसे पहले बनाऊंगी आदि का ब्रेकफास्ट, जो आदि खाते ही नहीं है आजकल, मतलब उसको हर कोई कुछ नया नया चीज़ें चाहिए होता है। तो इसलिए आज एक मैंने यूट्यूब पे उसका रेसिपी देखा है, तो वही आज बना के उसको खिलाने की कोशिश करूंगी क्योंकि वो कुछ खाते नहीं है, तो नया नया कुछ 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 बना के खिलाना पड़ता है। तो अभी जल्द से वही बनाती हूँ, तो वो सोते सोते जल्दी जल्दी बना लेती हूँ क्योंकि अगर एक बार उठ गया तो मैं नहीं बना पाऊँगी। और आज मम्मी जी का ड्यूटी भी है, तो मम्मी जी भी घर पे नहीं रहेंगे, उसको रखने के लिए कोई है नहीं घर पे। थोड़ा सा पहले बटर दूंगी, उसके बाद उसमें ही सब कुछ करूँगी। बटर तो या घी, वो बटर ना खाता नहीं है वैसे ना, ज़्यादा उसको पसंद नहीं है शायद। घी देने से घी का थोड़ा सा स्मेल आती है ना, तो वो खाती है मतलब, तो अच्छे से खाता है, लेकिन बटर से नहीं खाता है। तो घी से ही बनाऊँगी, वीडियो में देखा था कि वो कुछ वो लोग ने सरसों दिया था थोड़ा सा और क्या क्या दिया था, तो मैं वो सब नहीं लूंगी, मैं डायरेक्ट बनाऊंगी क्योंकि डर लगता है, इतना छोटू बेबी है ना, इसलिए डायरेक्ट बनाती हूँ। खाएगा या नहीं पता नहीं, रोज रोज कुछ ना कुछ तो बना के दे रही हूँ, खाए तो अच्छा है, खाए तो क्या करूँगी। हल्का सा इसको भून लिया हूँ, अभी इसमें थोड़ा सा पानी मिला दूंगी, फिर बाकी की चीजें। थोड़ा सा गाढ़ा हो गया है फिलहाल, थोड़ा सा दूंगी मैं वो काजू को, थोड़ा सा मैं पीस लिया हूँ वो काजू, दे दूंगी थोड़ा सा, दो ही काजू लिया हूँ क्योंकि थोड़ा सा बना रही हूँ। और एकदम थोड़ा सा पनीर को भी मैंने थोड़ा सा ये कर लिया है, पीस लिया है थोड़ा सा काजू, थोड़ा सा पनीर, थोड़ा सा दूंगी मैं हल्दी कलर के लिए, बस हल्दी। को इतना ज्यादा चीनी पसंद नहीं है, मैं थोड़ा सा दूंगी, थोड़ा और पानी दे दिया हूँ, तो थोड़ा सा ढक के हो जाएगा। ये बहुत जल्दी हो रहा है, लेकिन खिचड़ी बनाओ तो मुझे कम से कम तो 1 घंटा लगता है उसका खिचड़ी बनाने। ये अगर खाए तो मैं रोज यही बना के दूंगी, खाए तो अच्छा लगता है, पर इतना मेहनत करके बनाती हूँ उसके बाद जब नहीं खाता है ना तो बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। आप लोगों के किस किस के घर पे बेबी है, मतलब मेरे बेबी के जैसे, तो प्लीज़ थोड़ा सा कमेंट करके बोलो कि आप लोग क्या खिलाते हो उसको। मतलब एक दिन एक चीज़ खाता है तो दूसरा दिन और वो नहीं खाता है, मतलब खिचड़ी 2-3 दिन थोड़ा सा खाए तो फिर और नहीं खाता है, मुँह में लेके सब फू फू करके गिरा देता है, फिर खाता ही नहीं है, ऐसा करता है। मैं मतलब बहुत ज़्यादा दुविधा में हूँ उसको मैं क्या खिलाऊँ। सैलेक तो खाता ही नहीं है, थोड़ा सा ही खाता है, पहले पहले अच्छे से खाता था लेकिन पता नहीं क्यों अभी नहीं खाता है। तो इसलिए कुछ अगर नया नया आप लोग ट्राई करते हो तो मुझे कमेंट करके प्लीज़ बताना ज़रूर, मैं उसके ऊपर ट्राई करूँगी। खाए तो अच्छा है, मतलब रोज़ एक एक नया नया चीज़ बना के खिलाना पड़ता है। अभी बेबी को क्या और नया बना के खिलाऊँ, वो तो उसको सब बॉयल ही खिलाना पड़ता है,
थोड़ा सा बड़ा हो तो मैं कुछ बना के खिला पाऊँ। खाना तो बन गया है लेकिन अभी उसको खिला देना पड़ेगा क्योंकि सूजी है ना, इसलिए नहीं रख पाऊँगी। रख दूँगी तो थोड़ा सा वो जम जाता है, सूजी जम जाता है रखने से। उसको तो सो रही है, उधर सो रही है, उसको उठा के खिला दूँगी अभी। आदि को उठाने आई थी मैं और आदि तो खुद ही उठ गया है, पे करके रोने लगा। टुक 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 टुक। धूप निकल आया इसलिए उसका स्वेटर वेटर खोल देती हूँ, खोल के उसको खिलाऊंगी क्योंकि सारा कुछ मैं अभी वो क्या कांडो करता है ना, मैं क्या बोलूँ। चलो खावा, चलो खावा। ओ हेलो, ठीक है मैं उसको खिला के फिर आप लोगों से मिलाती हूँ, ठीक है। खाओ टेस्टी टेस्टी। तुम्हें तुम्हारे पिंजरा भीतर ढाको है, पिंजरा। काफी दिनों के बाद कुछ दूसरा टेस्ट मिला है ना, इसलिए आज तो खा लिया, कल से नहीं खाएगा मैं श्योर हूँ। अब उसको ये सब देके मैं यहाँ पे बिठा के जाऊंगी अपना काम पे। नो आदि का ब्रेकफास्ट डन, बहुत मतलब आज मुश्किल नहीं हुआ मुझे, आसानी से उसको खिला दियो। अभी मैं करूँगी थोड़ा सा ब्रेकफास्ट, मैं और क्या ही खाऊंगी, कुछ खाऊंगी देखती हूँ क्या मिलता है। खा के फिर मैं नहाऊंगी, नहा के ओ सॉरी मैं आदि को नहलाऊंगी, आदि को नहला के फिर मैं नहा के फिर मैं आज बनाऊंगी बटर पनीर मसाला। आप लोगों के साथ रेसिपी शेयर करूंगी आज, मैं सोच रही हूँ तो छोटा करके रेसिपी शेयर करूंगी। तो ठीक है अभी मैं कुछ खाती हूँ, मैगी खाऊंगी सोच रही हूँ, मैगी बनाती हूँ सबसे पहले। तो मेरा ब्रेकफास्ट भी हो चुका है, आदि को मैं मालिश करके थोड़ा सा नहला भी दिया हूँ, अभी उसको क्रीम लगाने की बारी जो कि सबसे मुश्किल है, बहुत ज़्यादा रोता है। आंटी अंकल भाई बहन सभी को किसको मैं सुलाने की कोशिश कर रही हूँ, किसको इसको कैसे झांक रहा है, बिस्तर पे क्या है, मैं क्या लू क्या मुंह में डालू, झांक रहा है सब। गुआ गुंद दो, बहुत काम से मत गुंद दो। अब ये नहीं सोएगा, गुनो गुनो टीवी नाने के लिए, गुनो गुनो टीवी नाने के लिए। गुगली गुगली अगली की पगली, अगली की पगली, पगली की पगली, अगली की पगली, पगली। आधी सो चुका है इसलिए मैं सोच रही हूँ पहले मैं बना ली तो फिर मैं नहाऊंगी, तो सारा कुछ रेडी कर लिया मैंने, अभी सिर्फ बनाऊंगी। तो बनाने के लिए ये सारा चीजें मुझे चाहिए, मैंने सारा कुछ रेडी कर लिया है। टमाटर और ये थोड़ा सा छोटा छोटा करके काटा हुआ, और उधर थोड़ा सा धनिया, उस इधर पे थोड़ा सा मसाले के लिए बटर जो मेन चीज़, और ये पनीर जो मेन चीज़। तो अब इसको यहाँ पे मैं बनाऊंगी। तो मसाले में मैं ले रही हूँ 4 लहसुन, थोड़ा सा अदरक, 3 हरी मिर्च, और ये प्याज बाद में दूंगी, ये पहले दूंगी जो पेस्ट होगा उसमें ये वाला प्याज, और थोड़ा सा काजू, टमाटर, ये सारा मैं यहाँ पे थोड़ा सा गरम करके फिर पेस्ट करूँगी। देखते रहिए आगे आगे देखते रहिए। ऑल डन, अभी मैं बनूँगी मास्टर शेफ। सारा कुछ चीज़ें मैं कोई ऑयल यूज़ नहीं करूँगी, सारा कुछ बटर में ही बनाऊँगी क्योंकि बटर पनीर है, बटर को मेन रखना पड़ेगा इसलिए। ये छोटा सा बटर था, ये आदि का बटर है वैसे, तो ये इसमें थोड़ा सा था, मैं पहले ये वाले को ही खत्म करती हूँ।
बटर गर्म हो चुका है। अभी सबसे पहले मैं दूंगी लहसुन, प्याज, मिर्च, अदरक, काजू। तो जब तक ये हो रहा है मैं बाकी का मसाला रेडी कर लेती हूँ। एक चम्मच लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा धनिया पाउडर, थोड़ा सा हल्दी, दो चम्मच दही, थोड़ा सा बटर। इसको मैं एक साथ में मिला लेती हूँ। ये थोड़ा ब्राउन ब्राउन हो चुका है, अब यहाँ पे दूंगी ये मसाले। थोड़ा सा इसको थोड़ा सा भून लूंगी, उसके बाद दूंगी यहाँ पे टमाटर। अभी दे दूंगी टमाटर। थोड़ा टाइम भूनने के बाद मसाले से ऑयल छोड़ चुका है, दिख ही पा रहे। तो अभी मैं यहाँ पे दूंगी थोड़ा सा पानी। पानी देके ये हाफ बॉईल हुआ है टमाटर, हाफ पानी देने के बाद तो थोड़ा सा पानी दे देती हूँ। थोड़ा सा ही दूंगी ताकि टमाटर पानी में से बाहर की तरफ झांक रहे हो, ऐसा करके मैं पानी दे रही हूँ। आधा आधा भीगा हुआ, आधा आधा बाहर। 2 मिनट भूनने के बाद ये कुछ ऐसा हो गया है। थोड़ा सा और मैं पानी को सुखा लूंगी, उसके बाद मैं इसको पेस्ट करूंगी। ये हो चुका है, अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा नमक दूंगी। नमक मैंने पहले नहीं दिया, अभी मैं इसको निकाल के हाथ से थोड़ा सा ब्लेंड कर लूंगी। तो यहाँ पे पेस्ट रेडी है, अब इसको मैं फिर से बटर में थोड़ा सा भूनूंगी। तो अभी कढ़ाई में ढेर सारा बटर दे दिया है। यहाँ दूंगी कटा हुआ प्याज, ये टमाटर, अभी दे दूंगी ये मसाले। यहाँ पे मैं पानी भी ऐड करूंगी एक ही साथ, और थोड़ा सा नमक टेस्ट करके फिर कम ज़्यादा लगे तो मैं वो दे दूंगी। क्योंकि काजू दिया हुआ है इसलिए पानी सोप लेगा सारा, इसलिए मैं थोड़ा सा ज़्यादा करके दे रही हूँ। थोड़ा टाइम भून लिया हूँ और देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है फिलहाल। अभी मैं यहाँ पे दूंगी पनीर। तो फाइनली हो चुका है, देख ही पा रहे हैं, काफ़ी अच्छा लग रहा है दिखने में। तो यहाँ पे लास्ट मैं थोड़ा सा बटर देके इसको थोड़ा सा मिक्स करके फिर हो गया मेरा बटर पनीर। बहुत ही आसान तरीके से मैंने बनाया, जो जो घर में था वो उसी से, तो आप सब लोग भी बना सकते हैं। एक बार मैं खाना वाना बना के फ्रेश होके नहा के आ चुकी हूँ मैं, और वो आए थे खाना खाने के लिए, आके जल्दी चले गए आज, क्योंकि उसका ऑफिस का कोई आने वाला है इसलिए जल्दी चले गए। तो वो आने के साथ साथ में मैंने नहा लिया आदि को उसके पास दे के, और आदि को भी लंच करा दिया हूँ। अभी मैं खाना खाऊंगी, फिर आदि को थोड़ा सा एप्पल खिलाऊंगी। की चाय की चाय की लागे तोड़ की लागे। और ये लड़का आज मुझे सारा दिन परेशान करके रखा है, परेशान करके रखा है, परेशान। सिर्फ ये चाहिए, वो चाहिए, ये देख रहे मोबाइल के लिए अभी कैसा कर। अच्छे की ए ए तो की कॉल ले तू इधर हैं আবার হাসে আই দেখছো 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 আই 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 পিটি দে মু পিটি ये निकाल दिया पूरा। इसका स्क्रू कहाँ है? स्क्रू कोई? अब ये चाहिए उसको।
ये लग जाएगा तो क्या होगा। सबने खा लिया, अभी मेरी बारी, अभी मैं खाऊंगी मेरा मस्त बटर पनीर। ट्राई करके देखती हूँ कैसा बनाए। अच्छा ही बनाए, फर्स्ट टाइम के हिसाब से अच्छा ही है। खाना पीना हो चुका है, अभी मैं थोड़ा सा सोऊंगी क्योंकि मुझे बुखार आया है बहुत तेज, तबीयत बहुत ख़राब लग रहा है, इसलिए अभी थोड़ा सा सोऊंगी मैं। आदि का कुछ कपड़े बाहर वो ले जाती हूँ, उसके बाद मैं सो जाऊंगी थोड़ा सा। आदि को मम्मी जी के पास छोड़ के आई हूँ, मुझसे और मतलब नहीं हो रहा है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। स्पीड स्पीड बाई दादू, ऐसे दादू दादू ओ दादू दादू ए धरना পড়ে যাবি তো খুশি একা দিয়ে খেলতে রে রে যা আর লাগা কি করতেছে দেন এদিকে এদিকে দিয়ে ওদিকে এদিকে লাগাইছে बैग में क्या है वो भी झांकना जरूरी है। धोते ही तो पारवा ना तुम अच्छे हाथ छुटु छुटु लो दुई हाथ दे दो दुई हाथ दे ना दी जा थामी दिबो जाओ ओदिगे ए जे ना तुम धोरी खाओ तो दुई हाथ तो धरो लो खाओ। एप्पल केक है ए जा तो गाइस इवनिंग उठ के मैं थोड़ा सा आदि के साथ खेल लिया हूँ, मैं मम्मी जी पापा जी सभी लोग हम सब लोग मिल, तो इवनिंग को उठ के उसके साथ थोड़ा सा खेल लिया सबने मिलके। तो अभी उसको फिर से सुलाऊंगी थोड़ी देर बाद, यहाँ पे थोड़ा सा खेलने के बाद फिर से उसको सुला दूंगी। तो आज का व्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताना, कुछ भी अच्छा लगे तो वीडियो में लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना, वीडियो को हो पाए तो शेयर करना, और ऐसे ही सपोर्ट प्यार करके और थोड़ा आगे लेके जाइए। सब्सक्राइब करना चैनल को जिस जिसने नहीं किया अभी तक। तो नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलूंगी, व्लॉग में कल तो नहीं बनाऊंगी, कब बनाऊंगी, तो जल्दी मिलूंगी जब भी बनाऊंगी। और मैं लाइव भी आऊंगी, एक बार आई हूँ और दूसरी बार भी आऊंगी। आने के पहले मैं कम्युनिटी पोस्ट दूंगी तो आप लोग जान पाएंगे कब आऊंगी, ज्वाइन कीजिएगा। और कुछ भी क्वेश्चन सवाल हो तो वहाँ पर पूछ सकते हैं आप लोग मुझसे। तो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, के लिए गुड नाइट, टेक केयर, अच्छे से रहिए, हम भी अच्छे से रहेंगे। सभी घर में बीमार हो रहे हैं अभी, डेंगू बहुत ज़्यादा हो रहे हैं सभी जगह पे, सुन रही हूँ, तो सेफ रहिए, अच्छे से रहिए, टाटा। तो देखिए इतना टाइम सो रहा था, जैसे इसका पापा आया उठ गया। पापा कोई पापा ये घूम से की खुशी